हाँ तो स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल ड्रीम पीसी स्टोर पे। आज हम लोग एक बजट एसएमपीएस के बारे में पूरा बताने वाले हैं कि बजट एसएमपीएस जो कंप्यूटर में यूज़ होती हैं उनकी क्या क्या प्राइसिंग है और कितने कितने वाट कौन से कार्ड में यूज़ करी जाती हैं, तो इसके बारे में बताएंगे। कुछ स्टार्ट करते हैं जैसे। तो जो सबसे स्टार्टिंग हमारा मॉडल है एसएमपीएस का, वो यहाँ से स्टार्ट होता है। 400 वॉट की एसएमपीएस है। अगर आप कोई भी अपने कंप्यूटर में बेसिक ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं, जैसे 710, 730, एक ऑडो T400, तो मिनिमम आप इस एसएमपीएस से स्टार्ट करें। ये 400 वॉट की एसएमपीएस है, लॉन्ग वायर्स के साथ आती है, 2 ईयर वारंटी के साथ। इसकी प्राइस है 1100 रुपीज़। और इसी की अगर आप 450 वॉट लेंगे, थोड़ा सा ऊपर में अगर आप जाते हैं, 1050 Ti तक की अगर ग्राफिक कार्ड लगाना है, तो आपको ये लगानी पड़ेगी। इसमें 6 पिन की आपको PCI एक्सप्रेस की सप्लाई भी मिलेगी। तो ये वाली जो SMPS आपकी आएगी 1650 रुपीज़ की आएगी, 1650 रुपये की। इसके बाद हमारे पास ये आ जाती है 500 वॉट में। अगर GTX 1650 या 1650 सुपर आप लगा रहे हैं, तो ये 500 वॉट ले सकते हैं। ये आपको 1900 में मिल जाएगी। और अगर आपको उससे थोड़ा और ऊपर जाना है, तो आप ये 600 वॉट ले सकते हैं। 600L मॉडल है, N4 में सब 2 ईयर वारंटी पे आती हैं। और इसकी कीमत है 2200 रुपीज़। अगर आपको थोड़ा प्रीमियम में जाना है, तो आप एंड स्पोर्ट में ये 550 वॉट ब्रॉन्ज ले सकते हैं। ये ब्रॉन्ज सर्टिफाइड है, इनकी ये जो सब थी सर्टिफाइड नहीं थी, ब्रॉन्ज सर्टिफाइड मॉडल है। ये आपको मिल जाएगी 2900 में, 3 ईयर वारंटी के साथ आएगी। प्लस ये ब्लैक रिबन केबल के साथ आएगी, येलो रेड वाले वायर्स के साथ नहीं होगी। जो SMPS की क्वालिटी है, ये हम कुछ हद तक 80+ सर्टिफिकेशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। जैसे कि ये वाली हमारी ब्रॉन्ज है, इसमें वाइट आती है, ब्रॉन्ज आती है, और जो और अच्छी होती है गोल्ड आती है, सिल्वर, टाइटेनियम, इस टाइप से आती है। तो इसके ऊपर हम बढ़ते हैं सर्टिफाइड में। तो हमारे पास 450 वॉट में एनटेक की SMPS आएगी। इसमें आप 1050 Ti, 1650 सुपर यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्राइस है आपकी 2300। ये 80+ वाइट में वाइट सर्टिफाइड आती है। सबसे स्टार्टिंग 80+ का सर्टिफिकेशन है, 3 ईयर वारंटी के साथ। अगर हम थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे, तो हमें GigaByte में 80+ ब्रॉन्ज मिल जाएगी 2400 रुपीज़ में, 3 ईयर वारंटी के साथ आएगी। और इसमें भी ब्लैक फ्लैट केबल्स मिल जाएंगे ये वाली SMPS में। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे, तो 550 वॉट मिल जाएगी, ये 5 ईयर वारंटी में आती है, 3300 की। और ये 650 वॉट है, ये भी 5 ईयर वारंटी में आएगी, 4200 की है। ये सब 80+ ब्रॉन्ज की रेंज है, ये 80+ वाइट से ऊपर होती है। और अगर इसमें आप और ऊपर जाना है 850 वॉट में, तो ये गोल्ड गोल्ड है, जैसे ब्रॉन्ज थी गोल्ड है। प्लस ये मॉड्यूलर है, आपको जितने वायर्स लगाने हैं आप उतने वायर्स इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, सारे वायर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये 5 ईयर वारंटी में आती है। इसकी प्राइस है 7000 रुपीज़। ये गोल्ड वर्जन है इसका, ये सब ब्रॉन्ज थे, ये गोल्ड है, 850 वॉट है। अगर आपको थोड़ा हैवी ग्राफिक कार्ड लगाने, जैसे कि 3070, 3080, 4080, तो आप ये वाली पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हैं। 3060 Ti लेना है, तो ये और ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम सर्किल में आ जाते हैं। ये 500 वॉट में 80+ वाइट में आती है, 3 ईयर वारंटी। प्लस ये ब्लैक फ्लैट रिबन केबल्स में आती है। अगर आपको 1660 सुपर या इवन 2060 भी यूज़ करना है, तो आप ये वाली पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हो। RX 6600 AMD का है, तो वो उसमें आप ये पावर सप्लाई यूज़ कर सकते हो। ये आपको 2200 में 3 ईयर वारंटी के साथ मिल जाएगी। इसी के थोड़ा ऊपर जाएंगे, इसका ब्रॉन्ज वर्जन है, 5 ईयर वारंटी के साथ आता है, 650 वॉट। इसमें आप यूज़ कर सकते हो 3060 Ti और 6700 XT, इवन वो भी यूज़ कर सकते हो 5 ईयर वारंटी रिबन केबल के साथ। ये आपको मिल जाएगी 3800 रुपीज़ की। और अगर आप और ऊपर जाना है, 3070 Ti, 3080 यूज़ करना है, 750 वॉट है, ये आपको मिल जाएगी 4500 में, 80+ ब्रॉन्ज, ये दोनों 5 ईयर वारंटी पे हैं। अब आ जाते हैं हम कॉर्सेयर पे। थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट है, थोड़ी सी क्वालिटी इनकी बाकी सबसे ऊपर मानी जाती है, रिलायबल ब्रांड है, 80+ गोल्ड में आता है। प्लस ये 10 ईयर वारंटी पे आती है। तो ये जो हमारी 750 वॉट वाला मॉडल है, ये आपको 9500 में मिल जाएगी। और इसी का 850 वॉट वाला मॉडल है, अगर आप 480 या 490 ग्राफिक कार्ड चलाने, तो आपको ये लेनी पड़ेगी। तो 10500 की ये मिल जाएगी, 10500 में, 10 ईयर्स वारंटी पे। और अगर आप 1000 वॉट पे जाते हैं, जैसे कि 4090 ग्राफिक कार्ड चलाने, तो 16400 की मिल जाएगी। ये सब 10 ईयर वारंटी में, और ये सब मॉड्यूलर में है और गोल्ड में है। के बाद आ जाते हैं कूलर मास्टर में। कूलर मास्टर की 550 वॉट ब्रॉन्ज में है, ये आपको मिल जाएगी 3800 में, 5 ईयर वारंटी के साथ आती है, ब्लैक रिबन केबल के साथ होगी। और ये हमारे पास आसूस की टफ गेमिंग है, 550 वॉट, ये आपको 4000 में मिल जाएगी, ब्रॉन्ज है, ब्लैक रिबन केबल, प्लस ये 6 ईयर वारंटी के साथ आती है, आसूस की टफ ब्रांडिंग के साथ है। ये हमारी कूलर मास्टर की 1050 वॉट है, 10 ईयर वारंटी, ब्लैक रिबन केबल, प्लस ये फुल्ली मॉड्यूलर है, 80+ गोल्ड है, ये आपको मिल जाएगी 15500 में। अब आ जाते हैं डीप कूल की तरफ। ये डीप कूल का 10 ईयर वारंटी वाला प्रोडक्ट है, DQ 750 वॉट है, और ये भी 80+ गोल्ड है, फुली मॉड्यूलर, जैपनीज कैपेसिटर के साथ है।
ये आपको मिल जाएगी 7100 की 10 ईयर वारंटी के साथ। तो ये थी हमारी कुछ बजट SMPS जो गेमिंग PC गेमिंग कंप्यूटर में यूज़ होती हैं, तो इसके बारे में प्राइसिंग बताई जो आज की डेट है हमारी, इसकी जो प्राइसिंग आज हमारी है 23 नवंबर 2022 के हिसाब से जो प्राइसिंग है वो दी, आगे चल के बढ़ घट भी सकती है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।